तरावी का टाइम हो गया, जाके तरावी पढ़ो। हर वक्त हड़तकल का भूत सवार रहता है इसके ऊपर। आपके बेटे को पत्नी क्या हो गया है? मेरी कोई बात नहीं सुनता, सारा सारा दिन मोबाइल में कोई सीरीज देखता रहता है, आप ही समझाएं अब इसको। अरे जाने दो भाई, हम भी तो ऐसी थे ना फरमान। सुलेमान शाह। बेटा किसको बोल रहे हो? वालिदे मोहतरम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अरे बेटा इतनी इज्जत तो हमारी बेगम ने हमें कभी नहीं दी जितनी तुम दे रहे हो। मैं ये बताने आया हूँ कि मैं सलेबियों का किला फतह करने जंग पे जा रहा हूँ। सही लेने तो जाता नहीं है, जंग लड़ने जाएगा। हाइमा खातून, अगर मैं वापस ना लौटूँ तो समझ जाइएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया। लेकिन शहीद होने पर आंसू नहीं बहाइएगा, बल्कि फख्र से सर उठा के जिएगा। सॉरी। क्या तो लगता है आपकी बहन ने स्पेसिफिकली का जादू करवा दिया है? अरे तुम्हें तो हर वक्त यही लगता है, मेरी बहन कुछ नहीं करती। बहुत अच्छी है मेरी बहन, चलो दिखाओ यहाँ से। आयशा, ये अर्तकल कितना प्यारा है ना। हाँ यार, कितना हॉट है। इसको इंस्टा पे फॉलो किया तूने? अरे वो तो पहले दिन ही कर लिया था। काश मेरी इससे शादी हो जाए। शादी? तो वो हमजा का क्या होगा? हमजा? हाँ? वो गुटका खाने वाला, तो देखो बैठा हुआ अभी भी हमें ही ताड़ा है। उसको तो मैंने इजी लोड के लिए रखा हुआ है। 40 40 40 इजी लोड। 40 का अभी कराता हूँ। चल आजा अर्तकल, कोई देखते मेरी वे। ये बता, तुर्की का वीजा आसानी से लग जाता है? हाँ, पाकिस्तानियों को आराम से लग जाता है, थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है बस। बैंक स्टेटमेंट? वो तो है। अबे हुआ क्या? अबे भाई, जब से हलीमा को देखा है ना, कसम से दिल चाह रहा है तुर्की शिफ्ट हो जाऊं। अबे भाई, कोई लड़कियां खूबसूरत है वहां की, नेचुरल ब्यूटी, और एक हमारी है, अपर लिप्स बना लिया, लिपस्टिक लगा ली, आईब्रोज बना ली, फिर भी घटिया लगती है। भाई मैं तो कहता हूँ वहां की लड़कियों को कोई यहाँ भेज दे और यहाँ की लड़कियों को कोई समंदर में फेंक दे। अबे क्यों बंद कर दिया भाई? अबे हटा, ये कोई ड्रामा है? 40 एपिसोड गुजर गए, अर्तकल हलीमा को पसंद करता है, हलीमा अर्तकल को पसंद कर रही है, लेकिन प्रपोज कोई नहीं कर रहा किसी को। ना हाथ पकड़ा, ना गाना गाया, ना रोमांस हुआ। अच्छा तो मेरे पास तुम होता, कम से कम तीसरे एपिसोड में मैरिज का चक्कर तो शुरू हो गया था। हाँ भाई, रहोगे तुम वही ठरकी। अबे हर ड्रामे में हाथ नहीं पकड़ते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, प्यार मोहब्बत नहीं होती। ये इस्लामिक हिस्ट्री है मेरे भाई, इससे आदाब सीखो, इखलाक सीखो, बड़ों का एहतराम सीखो, और सबसे बड़ी बात ये कि जिहाद का जज्बा उजागर होता है। बेटा जिहाद का जज्बा इनको तो समझ में नहीं आया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई ये वीडियो थी फ़न के लिए, इसको फ़न ही लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जाइए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 1 लाख पे पहुँचाइए जल्दी जल्दी अपने भाई को।